A very good morning to all of you. So children, after 1 week we are meeting in this class. So last week हमने formation की थी उड़े से लेके कक्का तक. आपने बनाना सीखा था ना, उड़ा letter से start करते हुए कक्के तक हमने सारा उड़ा एड़ा ईडी सस्सा हाहा कक्का यहाँ तक हमने वर्णमाला की थी. तो टुडे वी विल कंटिन्यू विद द प्रीवियस टॉपिक एंड विद द न्यू टॉपिक. न्यू टॉपिक में आज हम बनाना सीखेंगे खक्खा और गग्गा. कक्के के जो नेक्स्ट लेटर है, कक्के की लाइन जो सेकंड वाली है, उसका हमने सेकंड लेटर और थर्ड लेटर आज बनाना सीखना है. और उसके साथ हम एक कंसेप्ट भी स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट. प्लीज ओपन योर नोटबुक्स एंड राइट डाउन क्लास वर्क एंड डेट ऑन योर नोटबुक्स. और हेडिंग लिखिए राइट वर्णमाला उड़ा टू कक्का. आई होप आप लोगों ने इस सब की प्रैक्टिस की होगी और इनकी फॉर्मेशन प्रॉपरली आपको बनाना आ गई होगी. राइट बच्चे, तो यू पीपल विल राइट वर्णमाला विद मी. ठीक है, आपकी नोटबुक के ऊपर लाइंस ड्रॉ हैं, लेकिन मैम के पास नहीं है. सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू मार्क द लाइंस सो दैट आपकी फॉर्मेशन आपको एक बार फिर से क्लियर हो जाए कि आपने कैसे लिखना है. राइट, तो जब तक मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स जस्ट राइट डाउन क्लास वर्क डेट एंड हेडिंग. राइट वर्णमाला उड़ा टू कक्का. तो हमने यहाँ पे ये लाइंस ड्रॉ कर ली. आपकी नोटबुक पे तो ऑलरेडी ड्रॉ है. यस मैम, माय वॉइस इज ऑडिबल एंड माय बोर्ड इज विजिबल प्रॉपरली. यस मैम, ऑडिबल एंड विजिबल क्लियरली. ओके थैंक यू. तो चिल्ड्रन स्टार्ट राइटिंग वर्णमाला. उसके बाद आप चेक करोगे कि मैम के साथ साथ आपकी फॉर्मेशन सही आ रही है. व्हेन आई विल स्टार्ट राइटिंग यू पीपल विल चेक. यस, स्टार्ट राइटिंग वर्णमाला. बोलते हुए लिखेंगे हम उड़ा ऊंट, एड़ा अंब, कोई भी लेटर, सो दैट आपकी प्रैक्टिस भी साइड बाय साइड होती रहे. राइट बच्चे, मैम ने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं. नाउ मैम इज आल्सो गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग. सो ऑल ऑफ यू विल स्टार्ट. मेरे से पहले मुझे लगता है कि आपने लिख लेनी है. Yes. Now see children, सबसे पहले हम फर्स्ट लेटर लिखेंगे उड़ा. स्लीपिंग लाइन, फिर स्लांटिंग करते हुए कर्व, फिर नीचे टच करते हुए और ऊपर वाली लाइन को टच करते हुए हमने बना दिया उड़ा. उड़ा ऊंट. राइट, एड़े के लिए एज यू कैन सी इसको टच करना है, फिर यहां से टर्न लेना है यहां तक और फिर ऐसे. तो ये बन गया हमारा एड़ा. आप ये वाली लाइन ऊपर से टच नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लेटर ईडी. Please pay attention on the formation part. यहां से slanting, सीधी नहीं डालनी. ईडी सस्से को राउंड लेते हुए, इसको शार्प नहीं करना ज्यादा. सस्ता, सस्ता सेब. हाहा हाथी. राइट, अब बच्चे आप गलती क्या करते हो, जब आप क्लास लगाते मेरे को वर्क भेजते हो तो इसी लाइन से स्टार्ट कर देते हो साथ ही साथ. अगर 5 times फुल पेज करना है तो आप ये लाइन छोड़ते नहीं हो. सो मैनी टाइम आई गाइड यू कि आपने ये लाइन में लिखने के बाद ये और ये 3 lines छोड़नी है. आफ्टर दैट नेक्स्ट लेटर आपने यहाँ पे बनाना है.
अब हम नेक्स्ट लेटर स्टार्ट करेंगे कक्का, ये बन गया कक्का कबूतर, कक्का कलम, कक्का कमल, ठीक है बेटे। और इस पेज के नीचे ही आपने नेक्स्ट कंसेप्ट करना है आफ्टर बिफोर और बिटवीन, आफ्टर बिफोर बिटवीन, वो कंसेप्ट में क्या है। एक लेटर लिखूंगी, एक लेटर के बाद सपोज मैंने आपको फर्स्ट लेटर दिया कि यहाँ पे ये लेटर मैंने आपको लिख के दे दिया उड़ा, तो उड़े के आफ्टर क्या आता है वो आप यहाँ ब्लैंक में लिख, इसको बोलते हैं आफ्टर कंसेप्ट। आफ्टर बिफोर बिटवीन, एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम, आफ्टर मीन्स बाद में, किसी भी लेटर के बाद में। जैसे यहाँ पे उड़ा है तो उड़े के आफ्टर क्या आ रहा है, एड़ा, उड़े के आफ्टर आ रहा है हमारा एड़ा। सो यू विल राइट जो लेटर यहाँ पे आएगा नेक्स्ट, आपको वर्णमाला इसके लिए आनी चाहिए, तभी आप ये वाला कंसेप्ट कर पाओगे कि उड़े के आफ्टर क्या आता है। तो इमीडिएटली अपने माइंड में उड़ा एड़ा बोलना है, तो उड़े के बाद हम क्या बोल रहे हैं, एड़ा। तो वी विल राइट एड़ा हियर, उड़े के आफ्टर क्या आता है, एड़ा। नेक्स्ट नंबर टू, नंबर टू पे हम लिखेंगे डैश। अगर डैश जो है किसी लेटर से पहले आ रही है तो डैश के आफ्टर हमें देखना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हाहा। तो यहाँ पे हाहा है, तो हाहे से पहले क्या आता है, ब्लैंक पहले है ना, यहाँ पे जो ब्लैंक है, लुक एट द बोर्ड बेटे, ऑल ऑफ यू प्लीज लुक एट द बोर्ड और मेरे साथ साथ देखिए, तभी कंसेप्ट समझ में आएगा। यहाँ पे बेटे देखो हाहे से पहले ब्लैंक है, तो इट मींस हमें बिफोर लेटर लिखना है, बिफोर, बिफोर मींस पहले, इस लेटर से पहले क्या आता है। तो वर्णमाला में देखेंगे, आपको वर्णमाला लर्न होगी तो आप बोल लोगे उड़ा एड़ा ईडी ससा हाहा, तो हाहे से हमने पहले क्या बोला, सस्सा, सो वी विल राइट सस्सा हियर, राइट। बेटे मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैं लाइन लगा के यहाँ पे लिख रही हूँ, नेक्स्ट आपके पास स्पेस है तो आप इसके नीचे नीचे उसी पेज पे वर्क करोगे, ठीक है, आपने ऐसे लाइंस नहीं लगानी, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं लाइन लगा रही हूँ। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ये लेटर लिख दिया मैंने, ब्लैंक दे दी और इसके बाद फिर से एक लेटर लिख दिया। नाउ सी द ब्लैंक इज बिटवीन टू लेटर्स, अब ये जो ब्लैंक है ये इन दोनों लेटर्स के सेंटर में है, इट मींस हम कौन सा लेटर लिखेंगे, बिटवीन, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, ईडी और हाहे के बीच में क्या है, सस्सा, सो वी विल राइट सस्सा हियर अगेन। तो ये आपका ऐसे कंसेप्ट आएगा, आफ्टर बिफोर बिटवीन, कोई भी लेटर आपको दिया हो सकता है, उसके पहले वाला पूछा जा सकता है या उसके बाद वाला या उस उन दो लेटर्स के बीच वाला। एक थोड़े से और करेंगे हम, नंबर फोर ब्लैंक और यहाँ पे आ गया हमारा एड़ा। अब आपने क्या देखना है कि एड़े से पहले कौन सा लेटर आता है, दैट लेटर यू विल राइट हियर। तो एड़े से पहले हमारा लेटर है, कौन सा लेटर आता है, स्टार्टिंग लेटर ऑफ द वर्णमाला, दैट इज उड़ा, सो वी विल राइट उड़ा हियर, ओके बेटे। नेक्स्ट नंबर फाइव, नंबर फाइव पे हमारे पास है हाहा और उसके बाद ब्लैंक, तो हाहे के बाद कौन सा लेटर आता है, कौन बताएगा मुझे, लेट मी सी, आहना, आहना बेटे अनम्यूट योर सेल्फ, बेटा वही स्टूडेंट अनम्यूट करेगा जिसको मैं बुलाऊंगी, आहना अनम्यूट योर सेल्फ, हाहे के आफ्टर क्या आता है, यस मैम कक्का,
वेरी गुड, क्लैप फॉर योर सेल्फ. आहे के बाद कक्का. तो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर कंसेप्ट. फर्स्ट जो सेकंड कंसेप्ट है आपका आफ्टर बिफोर बिटवीन. एक दिन हमने किया था रेकोगनाइज द पिक्चर्स, पहले भी एक कंसेप्ट करवाया था मैंने, ठीक है. आज हमने सेकंड कंसेप्ट सीख लिया, राइट, आफ्टर बिफोर बिटवीन. तो आफ्टर बिफोर बिटवीन में आपको क्या आनी चाहिए? वर्णमाला. अगर आपको वर्णमाला प्रॉपरली आती है तो आपको ये वाला कंसेप्ट बहुत इजी लगेगा, राइट. तो आई होप मैं जिससे भी सुनूंगी बाद में अगर टाइम बचा तो सबको आती होगी वर्णमाला. आई होप सो. सो बेटे आई एम गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने जो बनाना है खक्खा और गग्गा. उसके लिए आई हैव टू इरेज बोर्ड. मैं ये बोर्ड इरेज कर रही हूँ यहाँ से. आपने नेक्स्ट पेज यूज करना है. नेक्स्ट पेज पे हम नेक्स्ट लेटर बनाने सीखेंगे, ठीक है. अब आपने नेक्स्ट पेज पे थ्री लाइंस ड्रॉ करनी है. हाउ मेनी लाइंस यू पीपल विल ड्रॉ? थ्री लाइंस. सेंटर में थ्री लाइंस ड्रॉ करेंगे. तो दो लाइनें हम खक्खे के लिए लिखेंगे और टू रोज जो है वो टू कॉलम्स में खक्खा और टू कॉलम्स में गग्गा बनाना सीखेंगे. तो आई एम गोइंग, या ये वाली स्पेस हम छोड़ देते हैं ड्रॉ एंड कलर के लिए. नेक्स्ट पेज, ये पेज पे हम, जो आपका नेक्स्ट पेज होगा वो ये वाला पेज है, ठीक है. ये पेज पे मैं थोड़ी सी और लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ. आपने भी पूरा फुल पेज लिखना है खक्खे और गग्गे के साथ. तो बेटा स्टेप्स जो हैं वो आपको नोटबुक में दे दिए हैं, क्लास वर्क वाली शीट पे. वो आपको जब मैं व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी तो यू कैन फॉलो द स्टेप्स फ्रॉम देयर. तो यहाँ मैं स्टेप्स नहीं डिस्कस कर रही हूँ. आई विल स्टार्ट राइटिंग द फॉर्मेशन. आपको मैं बोलूंगी, आपने अच्छे से सुनना है और उसको फॉलो करना है. Excuse me, ma'am. Yes, बेटे. I have not. क्या नहीं है आपके पास? Who is this? अभी किसने अनम्यूट किया था? हाँ जी बेटा बोलो. बेटे आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. रेखा मैम देखना ये क्या बच्चा बोल रहा है. तो बेटा देखो ऐसे आपने लाइंस ड्रॉ करनी है, वन फुल पेज की. फुल पेज आपने ड्रॉ करना है, वन लाइन, टू लाइंस एंड थ्री लाइन. नाउ यू पीपल विल ड्रॉ दीज थ्री लाइंस. और इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करेंगे अपना वर्क करना. एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे सो दैट आपकी अच्छे से प्रैक्टिस पता चल जाए आपको कैसे लिखना है. ओके नाउ माय पेज इज रेडी. तो बेटे अब हम पहले हमें लिखना है खक्खा. उसके लिए सबसे पहले इसको टर्न करिए ऐसे. इसको टर्न करते हुए आपने तीखा नहीं बनाना, इसको गोल लेके जाना है यहाँ पे. फिर इसको ऐसे और ऐसे, इसके ऊपर लाइन नहीं लगानी, इसीलिए मैम ने भी रेज कर दी है. इसके सेंटर में लाइन लगेगी खक्खा. इसको बोलते हैं खक्खा. खक्खा खांब. फिर से लिखेंगे, देखो मैम कैसे लिख रहे हैं, खक्खा खांब. इसको बहुत ज्यादा टर्न नहीं करना हमने, खक्खा खांब. खक्खा खांब, राइट. नेक्स्ट अगेन लास्ट में खक्खा खांब.
ऐसे आपने लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है तो आपकी राइटिंग भी अच्छी लगेगी, सुंदर लगेगी जो भी आप लिखोगे। खखा खांब, नेक्स्ट लाइन में भी हमने खखा लिखना है, खखा खांब, खखा खांब। देखो मैम को फॉर्मेशन नहीं अच्छी लग रही तो मैम भी रेज कर रहे हैं ना, तो आपने भी ऐसे ही सुंदर सुंदर बनाना है। अगर आपको लग रहा है कि फॉर्मेशन नहीं ठीक तो यू हैव टू इरेज इट। खा खांब, तो ऐसे आपने अपने नोटबुक की टू लाइंस जो हैं वो खखे के साथ फिनिश करनी, राइट। टू रोज में आपने खखा लिखना है। Who is unmuting? कोई स्टूडेंट अनम्यूट कर रहा है खुद को? जेनिश कपूर बेटा म्यूट योरसेल्फ, राइट। तो ऐसे आपने खखे की टू रोज लिखनी है, खखा खांब। खखे के नेक्स्ट लेटर खखा और उसके नेक्स्ट लेटर आता है गग्गा। गग्गे के लिए स्लीपिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन आएगी, फिर स्टैंडिंग लाइन, और जैसे हमने सस्से की लाइन बनाई थी वैसे ही आपने इसको राउंड करना है, स्टैंडिंग लाइन डाल के। अब यहाँ पे लाइन लगा देंगे। सस्से और गग्गे में क्या फर्क था? सस्सा जब हम लिखते थे तो हम ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना, इसको ज्वाइन करते थे इस लाइन को, लेकिन जो गग्गा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने सेंटर में लाइन ये वाली रो, अगर इसको हटा दिया जाए तो ये बन जाता है गग्गा, ठीक है। तो आपने सस्से और गग्गे में कंफ्यूज नहीं होना। अगर सारा लाइन डाल के लिख रहे हैं तो वो सस्सा है, ऊपर भी लाइन आएगी नीचे भी, अगर यहाँ लाइन नहीं आ रही तो दैट इज गग्गा। गग्गे की फॉर्मेशन क्या है? स्लीपिंग लाइन और लाइन। नहीं नहीं तन्मय बेटा म्यूट योरसेल्फ, अगेन स्लीपिंग लाइन, राउंड, स्टैंडिंग लाइन। दिस लाइन शुड बी स्ट्रेट, फिर से स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, टर्न एंड देन अगेन स्टैंडिंग लाइन, हियर अगेन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, टर्न एंड स्टैंडिंग लाइन। ये बन गया हमारा गग्गा। और गग्गे की पिक्चर्स कौन कौन सी होती हैं? गग्गा गमला, गग्गा गाजर और गग्गा गेंद। गेंद आपको बोला बताया था ना मैंने, गेंद क्या होता है? बॉल, खेलने वाली बॉल, दैट इज गग्गा गेंद, राइट। हम फिर से नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे। गग्गा गेंद, गग्गा गेंद, गग्गा गेंद, गग्गा गेंद। ओके बेटे, तो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर रोज। आपने भी फुल पेज कंप्लीट करना है और यहाँ पे हम बनाएंगे पिक्चर्स ऑफ, पहले हम बनाएंगे खखे की पिक्चर्स। खखे की पिक्चर क्या होती है? खखा खांब। खांब मैंने आपको बताया था क्या होता है। खांब की पिक्चर कौन सी होती है? खांब की पिक्चर कैसे बनाएंगे? एक लाइन पहले आप ड्रॉ करोगे ऐसे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे, उसके बाद ऐसे
ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे राइट right? इसके बाद अब हमने इसको ऐसे बना लिया टर्न करते हुए. नाउ वी विल ओप इसकी जो बीच वाली लाइंस हैं इसको हम बनाएंगे को डबल करेंगे और फिर इसके बीच में ऐसे लाइन अखा खम जो कि बर्ड्स के होते हैं ना. आपको उस दिन बताया था जो पक्षी पंछी होते हैं जितने भी बर्ड्स होते हैं सबके फेदर्स होते हैं उनको पंजाबी में बोलते हैं खम्ब. खखा खम्ब इसे हम बनाएंगे पिक्चर्स ऑफ गग्गा. तो गग्गे की पिक्चर मैंने आपको एक बताई है गग्गा गेंद. गेंद थोड़ी छोटी सी नहीं बनानी है आपने बड़ी बनानी है सो दैट यू कैन फिल द कलर्स नाइसली. तो ये हमारी बन गई गग्गा गेंद. के बीच में हम डिजाइन बना देंगे ओके. आवर गेंद इज रेडी. बेटे आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर इसमें फिल कर सकते हो. पर्टिकुलर कोई कलर नहीं है. खम्ब आप किसी भी कलर का बना सकते हो जिस जिसके आप ब्राउन कलर फिल कर सकते हो ब्लू कलर फिल कर सकते हो जिस तरह का भी ग्रीन कलर फिल कर सकते हो पैरट ग्रीन होता है ना तो आप उसका कलर वो फिल कर सकते हो. बॉल आप अपना फेवरेट कलर किसी भी कलर की बॉल हो सकती है तो एनी कलर यू कैन फिल. नेक्स्ट पिक्चर हम बनाएंगे गाजर. तो गाजर यस बेटे यस व्हाट आर यू सेइंग बेटा आपकी आवाज ही ऑडिबल नहीं है. योर वॉइस बेटे एनी कलर यू कैन फिल. यस एनी कलर यू कैन फिल. अब आपने कैरेट जो है वो रेड कलर की बनानी है इसमें रेड कलर फिल करना है और ऊपर ग्रीन कलर क्योंकि कैरेट जो होती है रेड या ऑरेंज ही होती है लेकिन उसका अपर पार्ट जो होता है वो ग्रीन होता है. जो लीफ है इसका वो आप ग्रीन बनाओगे राइट बेटे. एक्सक्यूज मी मनप्रीत मैम. यस मैम यस. शुड आई सेंड अटेंडेंस फॉर्म. यस मैम मैंने एक बार भेज दिया फिर से भेज दो वंस अगेन. जिन्होंने नहीं फिल की या लेट ज्वाइन किया होगा दे विल फिल. तो बेटा जिस स्टूडेंट ने अटेंडेंस स्लिप फॉर्म जो है नहीं फिल किया और एक मैम शेयर कर रहे हैं तो फिल द अटेंडेंस. बेटे इन बिटवीन नहीं बोलोगे माही वेट आई विल गिव यू द चांस टू स्पीक टू क्लियर योर क्वेरीज जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स ओके. तो आज हमने क्या क्या किया सबसे पहले वर्णमाला की उड़ा टू कक्का उसकी प्रैक्टिस करनी है. उसके बाद हमने कंसेप्ट किया कौन सा कंसेप्ट था आज आफ्टर बिफोर और बिटवीन. आफ्टर दैट हमने खखा और गग्गा बनाना सीखा और उन दोनों की पिक्चर्स खखा खम्ब गग्गा गेंद और गग्गा गाजर. आपकी जो व्हाट्सएप पे वर्क आएगा उसमें आपको एक और पिक्चर दी हुई है गग्गा गमला आप उस वो भी अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करोगे ओके. होमवर्क में आपने 3 पिक्चर्स ड्रॉ करनी है गग्गे की जो आपको सेंड करेंगे उसके अकॉर्डिंगली और एक पोएम भी मैम सेंड कर रहे हैं आपने वो पोएम भी अच्छे से लर्न करनी है ओके. एनी डे आई विल आस्क फॉर द पोएम. जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी एक तो कल है कल के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी तो हम आपसे पोएम भी सुनेंगे राइट बेटे. सो दैट्स इट फॉर द डे फ्रॉम माई साइड. सो चिल्ड्रन नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज टेल मी. हिमाक्षी यस आप बोलिए बेटा आपने पहले अनम्यूट किया है.
I have not done. Don't worry, beta. If you have not done, you can do it later on. Ma'am will send each and everything on the WhatsApp. Now, अभी भी आपके पास time है ma'am? Yes. Ma'am, जो गग्गा के बाद वाला जो word है ना, वो मुझे समझ में नहीं आया. आप उसको repeat कर दो. खक्खे के बाद वाला के गग्गे वाला. गग्गा. अभी मैंने कग्गा करवाया नहीं. कग्गा कार होता है. अभी मैंने बेटे खक्खा और गग्गा करवाया. आप उसकी प्रैक्टिस करो.